सबसे पहले तो आपको बता दें कि कार्तिक आर्यन ने ले लिया है पंगा करण जौहर से। जी हाँ, दोनों के बीच में बहुत सारे जो डील्स थे स्टार्टिंग से वो कैंसिल हो चुके हैं। अब क्या है पूरा मामला, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कहाँ से सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, कहाँ पे आके अटक गई और क्या क्या डील्स कैंसिल हुई, सारी की सारी अपडेट हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि कार्तिक आर्यन के साथ जो करण जौहर की फिल्म आने वाली थी दोस्ताना 2, जिसको कि करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे थे, ये फिल्म जो है अब नहीं आएगी कार्तिक आर्यन के साथ, यानी कि कार्तिक आर्यन अब दोस्ताना 2 में नहीं दिखेंगे। जी हाँ, धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले ये फिल्म बन रही थी और फिल्म के जो प्रोडक्शन हाउसेस के मेकर्स हैं, जो भी हेड हैं, उन्होंने ये फाइनल डिसीजन दे दिया है कि अब हम लोग कार्तिक आर्यन के साथ दोस्ताना 2 में काम नहीं करेंगे। साथ ही साथ जितने भी धर्मा प्रोडक्शन के नए प्रोजेक्ट्स आएंगे उसमें भी अब कार्तिक आर्यन नहीं नज़र आने वाले, यानी कि साफ है करण जौहर ने कार्तिक आर्यन का रास्ता बंद कर दिया है अपने प्रोडक्शन हाउस में, यानी कि अब कोई भी फिल्म आपको नहीं देखने को मिलेगी कार्तिक आर्यन की धर्मा प्रोडक्शन के साथ। चलिए, ये सारी तो बातें डील्स की हो गई, अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल फिलहाल में कार्तिक आर्यन और जाह्नवी कपूर और एक दो और टीम मेंबर्स जो थे फिल्म के, वो लोग पहुँचे थे गोवा, और वहाँ से आने के बाद कार्तिक आर्यन का थोड़ा सा जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया और इसी को लेकर जो जाह्नवी कपूर से दूरियाँ पड़ गई इनकी, और जाहिर सी बात है फिल्म के प्रोड्यूसर से भी ये ठीक से बात वगैरह नहीं कर रहे थे, तो इन सारी चीज़ों को लेकर थोड़ी थोड़ी दूरियाँ बढ़ी। उसके बाद जब धर्मा प्रोडक्शन के जो हेड हैं उन्होंने टाइम मांगा, यानी कि डेट शेड्यूल के लिए, शूटिंग के लिए टाइम मांगा गया जब कार्तिक आर्यन से, तो जो कार्तिक आर्यन की एजेंसी है उन्होंने डेट देने से मना कर दिया और डेट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही थी। अब इसी बात को लेकर धर्मा प्रोडक्शन नाराज़ हो गया और उनका कहना है कि कार्तिक आर्यन जिस तरीके से कमिटमेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से आनाकानी कर रहे हैं, वो बर्दाश्त से बाहर था और हम लोग स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं, और इसी को लेकर कार्तिक आर्यन को निकाल दिया गया। अब इसमें देखना दोस्तों दिलचस्प ये होगा कि क्या इस मौके पर, यानी कि जब नेपोटिज्म वगैरह चल रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तब कार्तिक आर्यन को निकालना क्या धर्मा प्रोडक्शन के लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदायक बन सकता है। अब आपका क्या है कहना, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करें टॉप ओपन फैक्ट्स ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें सबसे पहले। धन्यवाद।